नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से रेखा बुटीक चैनल पर। दोस्तों, आपने हमारे वीडियो को बहुत से वीडियो को कमेंट दी है कि मैडम हमें भी गले का ब्लाउज बताइए, तो इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैं बताऊँगी, सामने का गला हम जब भी काटते हैं तो हमें पीछे का गला बंद रखना पड़ता है, तो इसी के बारे में मैं इस पूरे वीडियो में आपको डिटेल से बताऊँगी। और इसी ब्लाउज का मैं आज कटाई भी करूँगी और स्टिचिंग करके आपको वीडियो में सविस्तर बताऊँगी, ठीक है फ्रेंड। तो ब्लाउज काटने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए नाप, तो मैंने नाप ले लिया है फ्रेंड्स। तो ब्लाउज की लंबाई है 13 इंच, आस्तीन है 9 इंच, शोल्डर है 12 इंच, छाती है 30 इंच, कमर है 26 इंच, और हमारे जो आस्तीन की मोरी है 10 इंच, सामने का जो वी शेप में हम नेक देंगे तो 5 इंच, और पीछे का नेक हम बंद रखेंगे इसलिए 2.5 या 3 इंच। तो इसी नाप के द्वारा हम आज की पेपर कपड़ा काटेंगे और आपको ब्लाउज की वीडियो बना के दिखाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले आपको मैं एक बात बताना चाहूँगी, हम जब ब्लाउज का पीस कटाई के लिए या फोल्ड लेते हैं तो हमें फोल्ड इस प्रकार लेंगे फ्रेंड्स। तो इस साइड में बंद बाजू है, फोल्ड है, यहाँ ओपन पीस है, देख सकते हैं आप। मैंने कपड़े को लिया है इस तरह से खड़े रहने आड़ी में लिया है, तो इस बात को आप नोट कर लीजिए। यहाँ है, देख सकते हैं आप, यहाँ है ब्लाउज की जो कपड़े की आती है मार्जिन, वो मार्जिन है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, हम निकालेंगे पीछे का पार्ट, निकालेंगे ब्लाउज का। तो हमारी ब्लाउज की लंबाई है, ब्लाउज की लंबाई हमारी है 13 इंच फ्रेंड्स। तो हम लेंगे 13.5, यहाँ लेंगे हम 13.5, बंद बाजू, यहाँ लेंगे 13.5, जबकि हमारा सीना है 30 इंच, तो सीने का 1/4 लेंगे हम, 7.5, प्लस लेंगे 2, इस तरह हमें स्क्वायर रेडी कर लेना है फ्रेंड्स। जबकि शोल्डर है हमारा 12 इंच है, तो हम लेंगे, हमारा यहाँ बंद नेक आता है तो हम लेंगे शोल्डर 7 इंच, 7 या हम 6.5 भी रख सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ 7.5 रखा है, और यहाँ लेंगे हम 3 इंच, लेंगे हमारा नेक बंद है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ नॉर्मली 2.5 इंच लेते हैं, हम यहाँ लेंगे 3 इंच, हमारा पीछे का गला बंद है तो हम लेंगे 2.5 इंच, और हमें इस तरह से इसे शेप देना है। यहाँ लेंगे फिटिंग के लिए, लेंगे हम 1 इंच, शोल्डर हमने 7.5 लिया है, लेकिन हम आर्म होल लेंगे 5.5 इंच, इस तरह से। शेप हम दे देंगे, या हम सिर्फ तिरछी रेखा जोड़ देंगे इस तरह से। अब लेंगे हम सामने का पार्ट। तो सामने का पार्ट लेने के लिए हमें सेम इसी तरह से नाप लेने हैं, 13.5 लेंगे हम लंबाई, यहाँ ड्रॉ कर लेंगे हम,
यह हमने पहले से 3 लिया है, यहाँ लेंगे सामने का नेक, 5 हमारा नेक है तो हम लेंगे 5.5 आधा इंच सिलाई के लिए। यहाँ तिरछी रेखा, तिरछी रेखा आप लेंगे। आपको मालूम है फ्रेंड्स हमें वी शेप में नेक काटना है। अब यहाँ लेंगे हम आर्म होल 5.5 इंच, यहाँ जोड़ लेंगे, आधा इंच लेंगे हम अंदर की साइड, यहाँ हम तिरछी रेखा आंक लेंगे इस तरह से। सामने के नेक के लिए हम आधा इंच अंदर की बाजू ले लेते हैं फ्रेंड, तो यहाँ लेंगे हम सामने के आर्म होल का शेप इस तरह से। आप देख सकते हैं यहाँ मैं लूँगी हमारे जो योग पट्टी आती है, योग पट्टी के लिए लूँगी 2.5 इंच, यहाँ लूँगी 3.5 इंच, अब हमें काटना है फ्रेंड्स। पीछे का पार्ट है, ये सामने का पार्ट है। यहाँ हमने योग पट्टी ले ली है, ये हमने लिया है आर्म होल, ये हमारा सामने का नेक, ये पीछे का नेक। आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताया है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमने पीछे का पार्ट काट लिया है, हमने सामने का पार्ट भी काट लिया है फ्रेंड्स। यहाँ की हम योग पट्टी निकालेंगे अभी और निकालेंगे आस्तीन, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम आस्तीन निकालते हैं। तो हमारे आस्तीन की लंबाई है 9 इंच, तो हम लेंगे यहाँ आस्तीन की लंबाई प्लस 1 इंच। आप देख सकते हैं मैंने लिया है 10 इंच, 9 इंच आस्तीन की लंबाई और 1 इंच हम लेंगे नीचे की फोल्ड के लिए। अब हमारे सीने का 1/4 है 7, तो हम लेंगे 7 इंच आस्तीन की फोल्ड, 7 इंच। आस्तीन का बाजू का आकार देने के लिए लूँगी मैं 3 इंच नीचे इस तरह से इसे। आकार दूंगी यहाँ आस्तीन की, जो हमारी मोरी है आस्तीन की तो यहाँ है 10 इंच, मैं लूँगी यहाँ 6 इंच, यानी 5 और 5 10, मैं 1 इंच लूँगी एक्स्ट्रा इस तरह से यहाँ। तो योग पट्टी निकालने के लिए काफ़ी सारा कपड़ा है हमारे पास इस तरह से। यहाँ लूँगी मैं 4 इंच लूँगी, हमारे 3.5 इंच की योग पट्टी आने के लिए 4 इंच लेना पड़ेगा हमें। यहाँ लूँगी मैं 9 इंच, जितनी की अपनी कपड़ा ब्लाउज की फोल्ड थी 9 इंच, यहाँ हमने 3.5 और 1/2 इंच 4 इंच लिया है फ्रेंड, तो यहाँ लूँगी मैं 3 इंच। और यहाँ इस तरह से इसे इस तरह से ड्रॉ कर लूँगी। आप देख सकते हैं हमारी योग पट्टी का आकार हमने किस तरह से दिया है, देख सकते हैं आप हमारी फोल्ड पट्टी 4 निकली है, 4 इस तरह हमें 2 राइट और 2 लेफ्ट लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने पट्टियाँ काट ली है फ्रेंड्स। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। तो हम मिलेंगे अगली हमारी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार फ्रेंड्स।